वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे NWD वर्सेस LIO के बीच में जो अगला CSA T20 चैलेंज का जो मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, प्लेयर्स ने क्या परफॉर्म करा है 2022 के अंदर। दोस्तों, इस करेंट ईयर में अगर आप देखोगे तो सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैं आपको शेयर करूंगा। ODI मैचेस में क्या खेला है, टेस्ट मैचेस में क्या खेला है, दोस्तों T20 में क्या परफॉर्म करा है, सारे डिटेल्स में आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, दोस्तों इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों, और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और दोस्तों, सबसे जरूरी है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है। तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं। दोस्तों, पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है 9:30 में ये मैच आपको देखने को मिलेगा, और रात 9:30 में। और यहाँ अगर ग्राउंड की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेंटवेस पार्क में ये मुकाबला होने वाला है। और यहाँ का पिच कंडीशन की बात करते हैं तो बैटिंग पिच है आपको 150-140 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, हाई स्कोरिंग पिच है, कभी कभी दोस्तों 60-170 के आसपास भी स्कोर देखने को मिला है, तो ये चीज़ माइंड पर रखना है। दोस्तों, बैटिंग पिच है, ठीक है। बाकी NWD की जो टीम है दोस्तों, यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे कौन, जो कि टीम के आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे NWD के टीम के तरफ से। रिसेंट स्कोर अगर आप देखेंगे 2022 में, तो ODI फॉर्मेट का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये 35 रन पहले मैच के अंदर, 58 रन, फिर यहाँ पे दोस्तों 49, फिर यहाँ पे 31, फिर यहाँ पे 78 रन स्कोर करा है। बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों, और इनको जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको टीम के टॉप ऑर्डर पर। आपको बैटिंग करते हुए ये खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे, तो इनको ट्राई करना है आप अपने टीम के अंदर। देखो, मैंने क्या किया है ना दोस्तों, T20 रिकॉर्ड तो आपको मिल जाते हैं सारे प्लेयर्स का, लेकिन पुराना रिकॉर्ड रहता 2017-2016 का रिकॉर्ड रहता, उतना पुराना रिकॉर्ड देख के ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं करंट ईयर को कवर कर रहा हूं, जो कि इस साल जो कि खेला हुआ है। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि प्लेयर्स का फॉर्म किस प्रकार है। और जाहिर सी बात है, अगर आप ODI में अच्छा खेलते हैं दोस्तों, तो T20 में ऐसा नहीं है कि T20 कोई अलग मैच है, यहां भी आप अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज दोस्तों, यही चीज फॉलो करना है आपको इस मैच के अंदर। अगर आप यहां पर देखोगे दोस्तों, यहां पर कन्हैया के बारे में इनका रिकॉर्ड रिसेंट स्कोर में देखोगे तो NWD की टीम के तरफ से पहले मैच के अंदर 6, फिर 20, फिर 18, फिर 1, फिर यहां पर 41 रन स्कोर करा है। इनको आप ड्रॉप करना। बैटिंग आप देखेंगे यहां पे दोस्तों, तो यहां पे विस्ली खेलते हुए नजर आएंगे। रिसेंट स्कोर में अगर आप देखेंगे तो पहले मैच के अंदर 50 रन, फिर 73, फिर यहां पे 41, फिर यहां पे 85, यहां पे फिर 22 रन स्कोर करा है। तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार दोस्तों, ये आपको बैटिंग में नजर आएंगे, टीम के आपको ओपन करते हुए इस मैच के अंदर दिख जाएंगे दोस्तों, इनको ट्राई करना है आपको। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों पहले के बारे में, तो इनका रिकॉर्ड रिसेंट स्कोर में देखेंगे तो 76 रन, 52 रन, फिर यहां पे 2 रन, फिर 8 रन स्कोर करा है। ग्रांड की बात करेंगे दोस्तों, रिसेंट स्कोर में पहले मैच के अंदर 54 रन, फिर यहां पे 58 रन, फिर यहां पे 61, फिर यहां पे 21 रन, और लास्ट मैच के अंदर देखोगे 154 रन स्कोर करा है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट के जो दो मैचेस का ये स्कोर है दोस्तों, ये टेस्ट मैचेस का है, इन्होंने टेस्ट भी खेला, ये चीज माइंड पे रखना है आपको दोस्तों। ये टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, और मैं कहूंगा आप इनको अपनी टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको। बाकी अगर आप देखोगे लेसेको के बारे में दोस्तों, पहले मैच के अंदर 2 रन, फिर यहाँ पे 65, फिर यहाँ पे 1 रन, फिर यहाँ पे 19 रन स्कोर करा है। बाकी हर्डस की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर दोस्तों 8 रन प्लस 3 विकेट, फिर यहाँ पे 7 रन, फिर 2 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेनुरान खेलते हुए नजर आएंगे। रिसेंट स्कोर में देखेंगे तो पहले मैच के अंदर 6 रन, फिर 15, फिर 6 रन प्लस 1 विकेट, फिर दोस्तों यहाँ पे 73 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 100 रन स्कोर करा है। इनको अपने टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड बेटर है, ऑलराउंडर सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेलानो के बारे में रिसेंट स्कोर में अगर आप देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे दोस्तों, करंट ईयर में पहले मैच के अंदर 29 रन, फिर 28 रन, 54 रन, फिर यहाँ पे 19 रन, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट यहाँ पे निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे मेयर के बारे में तो रिसेंट स्कोर में देखोगे पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 19 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 1 रन प्लस 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 34 रन प्लस 7 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पे करंट ईयर में इनका भी रिकॉर्ड काफी बेहतर है, इनको भी ट्राई करना है आपको। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ड्वेन जॉनसन जो इनकी का रिकॉर्ड देखोगे, पहले मैच के अंदर 3 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 1 रन प्लस 1 विकेट,
विकेट, फिर 3 रन, फिर अभी 23 रन प्लस 2 विकेट निकाला हुआ है। केरविन की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर 7 रन प्लस 2 विकेट, फिर अभी 4 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर भी 2 विकेट निकाला हुआ है। ध्यान रखना राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है, ये भी अपने स्पेल के दोस्तों कंप्लीट 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, जो करंट ईयर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करा है। बाकी जुमा की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 3 विकेट, फिर 9 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 19 रन, 13 रन प्लस 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 1 रन प्लस 3 विकेट निकाला हुआ है। वहीं अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे हॉकिन के बारे में, तो पहले मैच के अंदर 32 रन प्लस 6 विकेट, फिर 29 रन प्लस 1 विकेट, फिर 7 रन प्लस 1 विकेट। दोस्तों टेस्ट सीरीज का ये रिकॉर्ड है दोस्तों बहुत बढ़िया है, करंट ईयर में यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी खेला हुआ है, बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा, ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ पे गौलब की बात करेंगे तो ये पहले मैच के अंदर 7 रन, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट निकाला हुआ। ये जो है ना ये NWD का रिकॉर्ड है दोस्तों, और ध्यान रखना आपको सेम प्लेइंग 11 लगभग इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाना है। बाकी LIO की बात करेंगे तो LIO की टीम की तरफ से आपको रियान खेलते हुए नजर आएंगे, पहले मैच के अंदर 19 रन, फिर यहाँ पे 15, फिर 163 रन, फिर यहाँ पे 81, फिर यहाँ पे 188 रन। टेस्ट मैचेस का इनका स्कोर देखें दोस्तों बहुत ही शानदार है, और टेस्ट मैचेस से बहुत बढ़िया खेला हुआ है दोस्तों, तो इनको अपने टीम के अंदर आपको ट्राई करना है, बहुत बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, इनको जरूर लेना है आपको, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये विकेट के बारे में मतलब बेस्ट ऑप्शन है, फॉर्म तो बहुत शानदार है, टेस्ट मैचेस में अच्छा खेला है तो T20 में भी अच्छा खेल सकता है दोस्तों, और ये करंट सीरीज का बात है, ऐसा नहीं कि 4-5 साल पहले का रिकॉर्ड है जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप, ठीक है, क्योंकि दोस्तों करंट सीरीज में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉफिट करेगा आपको। बाकी हैंड्रिक की बात करते हैं तो ये दोस्तों इनका पहले मैच के अंदर देखोगे तो 34 रन, फिर यहाँ पे 44 रन, फिर यहाँ पे 43 रन, फिर यहाँ पे 34 रन इन्होंने स्कोर करा है। बाकी आप कॉर्नर की बात करेंगे तो इनका रिकॉर्ड उतना शानदार है नहीं, पहले मैच के अंदर 1 रन, फिर 34, फिर 21, फिर यहाँ पे 8 रन आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सीन में अगर आप देखेंगे दोस्तों डेलपोर्ट, ये पहले मैच के अंदर 1 रन 1 विकेट, फिर 9 रन, फिर 42 रन, फिर यहाँ पे 26 रन स्कोर करा है। ये करंट ईयर का रिकॉर्ड है, लेकिन ये खिलाड़ी ध्यान रखना दोस्तों इनका T20 फॉर्मेट देखोगे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा मैचेस अभी तक खेले नहीं है, लेकिन ध्यान रखना टीम के आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों, जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको। बाकी आप इवान जोन्स की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 20 रन, फिर 63 प्लस 2 विकेट, फिर 5 रन प्लस 5 विकेट, फिर यहाँ पे 22 रन प्लस 2 विकेट, फिर अभी 12 रन प्लस 2 विकेट निकाले हैं, इनका भी रिकॉर्ड शानदार, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। मिचेल वान की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 23 रन, फिर 1 रन, फिर 20 रन प्लस 1 विकेट, 52 रन, फिर यहाँ पे 8 रन स्कोर करा है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे टेलो के बारे में इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे वियान की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 17 रन, फिर यहाँ पे 81 रन प्लस 1 विकेट, फिर 12 रन प्लस 3 विकेट, फिर 79 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 56 रन प्लस 1 विकेट निकाला हुआ है। इनको ट्राई करना, ये टीम के बहुत बेहतर गेंदबाज है, जो अपने स्पेल के कंप्लीट आपको दोस्तों इस मैच के अंदर भी 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए आपको दिख जाएंगे। बाकी यूसुफ की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर दोस्तों 3 विकेट, फिर यहाँ पे 19 रन प्लस 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर यहाँ पे 7 विकेट निकाला। ये ध्यान रखना है T20 यहाँ पे टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड है, जो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला है दोस्तों इस ईयर में देखोगे तो बहुत बढ़िया है, तो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस मैच के अंदर खेलते हैं तो इनका अभी जिस प्रकार का फॉर्म चल रहा है बॉलिंग, इनका इनसे जरूर 4 ओवर करवाएंगे, ठीक है। बाकी लेम पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, फिर 21 रन प्लस 2 विकेट, फिर 3 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर भी 2 विकेट निकाला है। जहाँ बॉलिंग अगर आप देखेंगे दोस्तों लुथो, चूँकि पहले मैच के अंदर 10 रन प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट निकाला हुआ है। बाकी सिसंडा की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 17 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 6 विकेट, फिर 25 रन प्लस 2 विकेट निकाला ये भी। बाकी अगर आप देखोगे मालुशी के बारे में तो पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 24 रन प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट निकाला है दोस्तों। बाकी लास्ट जो ये खिलाड़ी रहने वाला है, इनका इन्होंने भी 3 मैचेस खेला हुआ है, जो पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट निकाला हुआ है। राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है, इनको भी ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये दोस्तों रिकॉर्ड है, ठीक है, ये NWD और LIO का रिकॉर्ड है जो आप देख रहे हो दोनों ही टीमों का। दोस्तों इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है ना, स्टैट्स को फॉलो करते हुए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं, सारे स्टैट्स मौजूद है, बेंचेस प्लेयर तक का भी रिकॉर्ड आपको दिखा दिया मैंने। अब आपको इसमें से जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स को अपनी टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। चलिए मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, तो उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो विकेट कीपर में सबसे बेस्ट रहने वाला दोस्तों यहाँ पे आप LIO के टीम की तरफ से अगर आप चाहें तो यहाँ पर एकलिंटन को ट्राई कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, और टेस्ट सीरीज में अगर आप देखोगे इस साल बहुत बढ़िया खेला है, इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार था, सेंचुरी दोस्तों 3 से 4 मैचेस में इन्होंने लगाया हुआ है दोस्तों। तो इनको क्या करना है ना, आप इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अगर आप चाहें तो इनके साथ जा सकते हैं। देखो इनका भी रिकॉर्ड बेटर है, अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं LIO की टीम की तरफ से इनको ट्राई करूंगा। बैटिंग में 3 बैट्समैन जिसमें से LIO की टीम की तरफ से दोनों के दोनों प्लेयर है, दोनों का रिकॉर्ड आपने देखा है दोस्तों बहुत बढ़िया है इस टूर्नामेंट अभी तक देखोगे दोस्तों, तो इस ईयर में बहुत बढ़िया खेला है। बाकी यहाँ पे मार्शल को मैं ट्राई करूंगा, इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी ऑलराउंडर में देखेंगे तो मेरे 4 ऑलराउंडर को लिया हुआ है LIO के टीम की तरफ से, दोनों प्लेयर बहुत शानदार है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। बाकी NWD की टीम की तरफ से इन दोनों का भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है अभी दोस्तों, इस साल इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार था T20 में भी और ODI में भी बहुत बढ़िया खेला है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को ट्राई करूंगा, इनका सिलेक्शन कम है लेकिन इनका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया दोस्तों बहुत बेहतर लगा मुझे, इस वजह से मैं इनको ट्राई करूंगा। बॉलिंग में है 3 बॉलर जिसमें से NWD की टीम की तरफ से दोनों का रिकॉर्ड
रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है एलआईयू की टीम के, तो मैं इनको ट्राई करूंगा। ये भी अपने स्पेल के दोस्तों कंप्लीट चार ओवर गेंदबाजी करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो मेरा टीम आप देख सकते हो दोस्तों, जिसमें कैप्टनसी के लिए दोस्तों मुलर को ट्राई कर रहा हूं फिलहाल, वाइस कैप्टनसी के लिए मैं दोस्तों इनको ट्राई करूंगा। इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार दोस्तों इस ईयर में, बहुत बढ़िया खेला हुआ है, ठीक है। तो अभी मेरे साइड से टीम है, लाइनअप का वेट करना, मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं, पहला कमेंट मैंने लिंक आपको पिन कर दिया, क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।